बायोलॉजी सॉल्यूशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑरेलिया ऑरिटा की लाइफ साइकिल के बारे में। ऑरेलिया ऑरिटा के लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले मैं आपको उसके जनरल फीचर, उसके हैबिटेट और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। तो जनरली ऑरेलिया ऑरिटा को जेलीफिश या मून जेली कहा जाता है। ये वर्ल्ड के ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशंस में फ्रीली स्विमिंग करती हुई पाई जाती है। इनका जो नेचर होता है वो कार्निवोरस होता है और अपने पूरे रिप्रोडक्शन को दो मेथड के द्वारा कंप्लीट करती हैं। पहला होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। अगर हम लोग के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मेड्यूसा होता है इसे हम लोग अम्ब्रेला भी बोल सकते हैं। ये सोसर शेप होता है, ठीक है, और फ्लैट होता है। ये जो अम्ब्रेला होता है ये रेडियल सिमेट्री को शो करता है। इनमें इसका जो होता है ब्लूइश वाइट बॉडी कलर होता है जिसमें पिंकिश गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। इस अम्ब्रेला के दो सरफेस होते हैं, पहला होता है कॉन्वेक्स सरफेस और दूसरा होता है कॉन्केव सरफेस। ऊपर जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस होता है जिसे एक्स अम्ब्रेला रीजन्स कहा जाता है और जो नीचे वाला होता है उसे हम लोग सब अम्ब्रेला सरफेस बोलते हैं। ये कॉन्केव सरफेस होता है, ठीक है। अम्ब्रेला की मार्जिन जो होती है सर्क्युलर होती है और इसमें आठ नोचेस प्रेजेंट होते हैं और इन आठ नोचेस में पेयर ऑफ लैपेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो लैपेट्स होते हैं सेंस ऑर्गन को इनक्लोज करके रखते हैं। इतना आया समझ में, ठीक है। सेंस ऑर्गन को इनक्लोज करके रखते हैं जिसे हम लोग टेंटाक्युलोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। नोचेस के बीच में जो टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मार्जिन लैपेट्स और मार्जिनल टेंटेकल्स को टोटली विलेरियम कहा जाता है। फिगर नंबर 33.1 आप लोगों को विलेरियम दिख रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से सब अम्ब्रेला रीजन में मैन्यूब्रियम, ऑरल आर्म्स, गोनाड्स और सब जेनाइटल पिट्स प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को फिगर 33.2 दिख रहा होगा। आप लोगों को गोनाड दिख रहे होंगे, आप लोगों को सब अम्ब्रेला रीजन दिख रहा होगा, आप लोगों को मैन्यूब्रियम यानी कि माउथ दिख रहा होगा, मार्जिनल टेंटेकल्स दिख रहे हैं, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ओरल आर्म्स दिख रही हैं, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों को दिख रहा है, ये सारा सब अम्ब्रेला रीजन्स के अंदर आता है। जनरली जो ऑरेलिया में जो गोनाड्स होते हैं वो पहले हॉर्स शू शेप में रहते हैं और टोटली चार तरह के गोनाड्स होते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं सर्कुलर शेप में चेंज हो जाते हैं और ओरल आर्म्स के बीच में क्या हो जाते हैं सिचुएटेड हो जाते हैं। वैसे तो गोनाड्स के नीचे एक सर्कुलर अपर्चर पाया जाता है जिसे हम लोग सब जेनाइटल पिट्स कहते हैं। ये सब जेनाइटल पिट्स और गोनाड्स का वैसे तो कोई कनेक्शन नहीं पाया जाता है। और गोनाड्स के बारे में एक बात और कि इनमें गैस्ट्रिक फिलामेंट, एक धागे जैसे गैस्ट्रिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो कि नेमेटोसाइट्स को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अगर इनके हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ऑरेलिया में मेल और फीमेल दोनों तरीके के सब जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल मेड्यूसे से मेल गैमेट जो होता है या स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो इंटरनली डिस्चार्ज होता है और थोड़े टाइम में ओशन के पानी के साथ साथ या वाटर करंट के साथ साथ फीमेल मेड्यूसा तक पहुंच जाता है, जहां वो माउथ के थ्रू फीमेल मेड्यूसा के अंदर एंटर करता है और जेनाइटल पाउच में प्रेजेंट जो ओवा होता है उसके साथ फ्यूज होकर जायगोट का फॉर्मेशन करता है। ये जो जायगोट बना है ये वाटर करंट के कारण माउथ से फीमेल के माउथ से रिलीज हो जाएगा और जो ओरल ग्रूव्स है उसके साथ जुड़ जाता है और ओरल ग्रूव की डेवलप मतलब जो जायगोट है अपने डेवलपमेंट के लिए पाउच में इनक्लोजेज हो जाता है। ओरल ग्रूव के पाउच में जायगोट जो होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज की दौर से गुजरता है जिसमें वो क्या करता है मोरूला का फॉर्मेशन करता है। मोरूला में एक कैविटी का फिर फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग ब्लास्टोसिल्स बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा ब्लास्टोसिल एक कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। ये जो ब्लास्टोसिल्स होती है इसमें फ्लूइड भरा होता है और जो मोरूला की जो सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं जिसे हम लोग ब्लास्टुला बोलते हैं। नाउ ब्लास्टुला जो होता है अब गैस्ट्रुला में डेवलप हो जाता है थ्रू इन्वेजिनेशन, जिसमें जो आउटर सेल लेयर होती है उसे हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं और जो इनर सेल लेयर होती है उसे हम लोग एंडोडर्म बोलते हैं, ठीक है। फाइनली गैस्ट्रुलेशन के थ्रू फाइनली जो लार्वा होगा वो प्लानुला लार्वा डेवलप होता है। ये प्लानुला लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग होता है, सीलिएटेड होता है, ठीक है। प्लानुला लार्वा का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा,
ठीक है, इसमें बाहरी तरफ एक्टोडर्म दिख रहा है, अंदरी तरफ एंडोडर्म दिख रहा है, और एंटेरॉन और मेसोग्लिया भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। एक दो तरीके के पोल होते हैं, एक को हम लोग ओरल पोल बोलते हैं जहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है, और दूसरी तरफ अबोरल पोल होता है। ये प्लानुला क्या होता है, फर्दर ओशन में सेटल डाउन हो जाता है और स्किफो स्ट्रीमा में चेंज हो जाता है। ये स्कफ स्ट्रीमा क्या होता है, एक नॉन एक जो मतलब नॉन स्विमिंग लार्वा होता है, नो सिजाइल लार्वा होता है, जो कि क्या होता है फर्दर स्ट्रोबिला में चेंज हो जाता है। ये स्ट्रोबिला फिर क्या करता है, या तो दो तरह के प्रोसेस करता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो बडिंग की प्रोसेस करेगा। ये बडिंग की प्रोसेस सेम वैसे ही होती है जैसे हाइड्रा में होती है, जहाँ पर अपना जहाँ पे एक पेरेंट बर्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बर्ड क्या होती है, मैच्योर होकर डिटैच हो जाती है अपने पेरेंट से और एक नए प्लांट का जनरेशन, नए हाइड्रा का जनरेशन करती है। सेम यहाँ पर यंग स्ट्रोबिला करेगा, ठीक है। ये स्ट्रोबिला के पास जो ट्रांसवर्स डिस्क होती है, ये क्या होती है, इसको हम लोग इफिरा लार्वा बोलते हैं। ये इफिरा लार्वा क्या होती है, फर्दर पहले तो मैच्योर होती है, उसके बाद में मेड्यूसा का फॉर्मेशन करती है। जो मेड्यूसा होती है इसे जेलीफिश कहा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल ऑरेलिया कंप्लीट करता है, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एडल्ट मेल मेड्यूसा, एडल्ट फीमेल मेड्यूसे दोनों कंबाइन होंगे, फ्यूज होंगे, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज करके, फोर सेल स्टेज करके, एट सेल स्टेज करके ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होगा। गैस्ट्रुला फर्दर फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लानुला लार्वा के फॉर्मेशन करेगा। ये प्लानुला लार्वा एक ओशन के सबस्ट्रेटम पर जाकर अटैच हो जाएगा और फर्दर स्किफो स्ट्रीमा का फॉर्मेशन करेगा। किस स्किफो स्ट्रीमा क्या करेगा, फर्दर स्ट्रोबिला में चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोबिला में चेंज होने के बाद ये जो स्ट्रोबिला होता है ये क्या करता है, फर्दर या तो असेक्सुअल डिवीज़न या सेक्सुअल डिवीज़न करके अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अगर असेक्सुअल डिवीज़न करेगा तो वो क्या करेगा, बडिंग के प्रोसेस करके करेगा, तो बडिंग के थ्रू वो क्या करेगा, नए लार्वा को यंग स्ट्रोबिला को एडल्ट स्ट्रोबिला में चेंज कर देगा। और ये जो एडल्ट स्ट्रोबिला में जो ट्रांसफर डिस्क प्रेजेंट होती है, ये ट्रांसफर डिस्क से जो क्या होता है, इफिरा लार्वा जो होते हैं रिलीज़ हो जाते हैं। ये जो इफिरा लार्वा होते हैं ये मैच्योर होते हैं और मैच्योर होकर जली फिश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग मैच्योर मेड्यूसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है। मेरे और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ, अगर अच्छा लगे या आपको जैसा भी लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। थैंक यू।